जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब हम द्वारिका यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अध्यात्म मीडिया के माध्यम से मित्रों, गुजरात द्वारिका में गोपी तालाब, जो वैष्णव संप्रदाय में जितने भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय हैं, अन्य वैष्णव साधु संत हैं, लगाते हैं गोपी चंदन। वो गोपी चंदन इसी तालाब से निकलता है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ ये गोपी चंदन है और ये ओरिजिनल मिलता है इसी तालाब से निकला हुआ। ये देखिए, ये वही गोपी चंदन है। हमारे चिंतन वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, जो बहुत ही सरल और भावी हमारे कथा व्यास है, एक बार इधर देख लीजिए सर, सर महाराज जी, और उनके साथ चल रहे हैं हमारे अंकुश जी। हम लोग गोपी तालाब आ चुके हैं और यही है वो गोपी तालाब जिस गोपी तालाब से चंदन, गोपी चंदन निकलता है। द्वारिका स्थित गुजरात में गोपी तालाब, जितने भी भक्तगण हैं, ये देखिए हमारे ताई जी हैं ये, और ये गोपी तालाब में अभी जल अर्चन करेंगी, और ये हमारे जानकी शरणदास जी महाराज हैं, महंत जी, और हमारे भैया जितने भी ये आए हुए हैं भक्त, ये सब दर्शन करेंगे गोपी तालाब का, जल अर्चन करेंगे। नेपाल से सभी भक्तगण यहाँ पर गोपी तालाब का अर्चन करेंगे और आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ गोपी तालाब, गोपी तालाब का वो दर्शन जिस दर्शन मात्र से ही हम सबको ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, और इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो वो स्थान महाराज जी हैं, महाराज श्री जो यहाँ गोपी तालाब की जो महिमा है, दो शब्दों में बताएं कि ये गोपी तालाब आखिर इसका नाम क्या है, इसका महिमा क्या है? गोपी तालाब अपने द्वारका नगरी के अति निकट है, अवस्थित है और अद्भुत स्थान है ये। यहाँ पर जब भगवान का स्वधाम गमन हुआ, अपने लीला अवतार का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का, तो जाते समय उन्होंने अपनी 16108 जो रानियाँ थी वो अर्जुन को सौंपी कि इनको लेकर के जाओ, ब्रज चले जाना। और अर्जुन को लेकर के जब ब्रज के लिए चलने लगे तो इस स्थान से निकल रहे थे, तो भगवान ने स्वयं भील कोलों का रूप धारण किया, अपनी समस्त कटरानियों को, रानियों को एक लीला करते हुए अर्जुन को परास्त करके उसे लूट करके अपने धाम के लिए प्रेषित कर दिया। भावना ये थी भगवान की कि अर्जुन के अंदर भी ये अहंकार आ चुका था कि मैं इतना बड़ा पुरुषार्थ हूँ कि मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। भगवान तो किसी का अहंकार रखते ही नहीं है, और अर्जुन जैसे अपने भक्त का अहंकार तो सहनी कैसे कर सकते हैं। अर्जुन का अहंकार भी दूर हुआ, कहावत भी है, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन थे वही बाण थे उनके। और ठाकुर जी ने स्वयं अपनी गोपियों अर्थात 16108 रानियों को अपने निधाम प्रवेश कराया, वो लीला इसी स्थान की है। इसका नाम गोपी तालाब है और यहाँ की मिट्टी गोपी चंदन के रूप में वैष्णवों के लिए बड़ी ग्राही है, यहाँ का प्रसाद के रूप में। मतलब जो गोपी चंदन वैष्णव लगाते हैं वो गोपी चंदन मुख्यतः यहीं का, एक तरह से प्राकट्य स्थल माना जाए, गोपी चंदन स्थल यहीं का है, गोपियों का ही स्वरूप है। तो हमारे ये श्रीमद विष्णु स्वामी हरदासीय संप्रदाय आचार्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज, जिनके सानिध्य में यह द्वारिकापुरी का यात्रा चल रहा है, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा ये जितने भी हमारे भक्तगण हैं, हमारे महाराज जी के जो शिष्य भक्त मंडल परिवार सभी, कैसा लग रहा है आपको ये द्वारिका में, इस यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा है, ये अंकल जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, और आनंद तेरी गली में आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। आगे चलते हम अगले पड़ाव की ओर, तब तक इस लिंक को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी देखिए जीजी जी हैं, हमारी बहन जी हैं, और ये भी खूब आनंद ले रही हैं, मतलब आनंद के गली में आनंद ही बरस रहा है दूर दूर तक। देखिए गोपी तालाब का हम दर्शन दूर, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया, ब्रज दर्शन के साथ साथ द्वारिकापुरी का दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।